देखिए, जनपद गोरखपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र में 21/22 की रात को एक इलेक्ट्रिकल के सामान के होलसेलर हैं, उनके यहाँ से एक चोरी की नकबजनी की सूचना प्राप्त हुई थी। घटनास्थल का निरीक्षण और वादी से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये पता चला कि रात के समय पे कुछ व्यक्तियों द्वारा आकर उनके गोदाम का ताला तोड़ा गया और उनके वहाँ ऑफिस में रखे 45 लाख से ज़्यादा जो कैश और कुछ सोने और चांदी के सिक्के थे उनको वहाँ से चुरा लिया गया है। इस घटना की गंभीरता को समझते हुए, क्योंकि ये शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई थी और त्योहारों से के सीज़न में और मुख्य त्यौहार से जस्ट पहले हुई थी और व्यापारी के साथ घटना थी, इसकी गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी साहब के निर्देशन में सीओ कोतवाली, स्वाट टीम, थाना की टीम और सर्विलांस की टीम्स को इसमें लगाया गया। डेली इसकी मॉनिटरिंग की गई। विशेष रूप से घटना करने से पहले और घटना करने के बाद जो अपराधियों का मूवमेंट था उसको सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से ट्रैक किया गया। 200 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास की फुटेज ली गई। 2 घंटे से भी ज़्यादा की 200 घंटे उससे ज़्यादा की भी जो फुटेज है उसका परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त जिस वाहन से ये लोग आए थे उन वाहनों के संबंध में भी, ऐसे कितने वाहन पूरे क्षेत्र में सेल हुए हैं उनका भी वेरिफिकेशन कराया गया। इसके अतिरिक्त कौन से ऐसे गैंग हैं जिनके द्वारा ऐसी घटनाएं पूर्व में की गई हैं उनको ट्रैक किया गया। इन सारी चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए ये जीरो डाउन किया गया कि ये पर्टिकुलर गैंग जिसके द्वारा घटना की गई है उनके जब मेंबर्स को अरेस्ट किया गया तो इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। इस घटना में टोटल 6 लोग इसमें घटना कारित करने में थे। 4 लोगों द्वारा एक्चुअल घटना की गई थी और 2 लोगों द्वारा मुखबिरी इसकी की गई थी, जो कि पूर्व कर्मचारी है उसी जगह का। इस घटना में जो कैश है उसमें 36,61,000 इसकी कुल बरामदगी हुई है। कुछ लोग अभी भी इसमें वांछित हैं जिनके लिए अभी टीम लगी हुई हैं, बाकी की रकम उनसे भी बरामद किए जाने की आगे प्रयास किया जा रहा है। जो सोने और चांदी के सिक्के थे वो भी बरामद हुए हैं। जो व्हीकल इनके द्वारा यूज किया गया था वो बरामद हुआ है। इनमें से जो 5 लोग अरेस्ट हुए हैं उनमें से पुराने अपराधी हैं, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्रीज हैं। जो भी अपराधी हैं आगे चल के इनकी सबकी हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई भी प्रस्तावित है और इस पूरे जो गैंग है, जो लोग इसमें शामिल हैं, इनका गैंग पंजीकरण भी किया जाएगा ताकि आगे से कोई घटना ना कर पाए। मैं इस पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इनके द्वारा अथक मेहनत से इस घटना का अनावरण किया गया है। जो इस घटना के वादी हैं उनके द्वारा day 1 से और आज तक हमें भरपूर सहयोग मिला, उन्होंने पुलिस पर विश्वास किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। टीम की मेहनत को देखते हुए ADG जोन सर द्वारा, DIG सर द्वारा और हमारे स्तर से कुल 1,00,000 रुपये का रिवॉर्ड पूरी टीम के लिए घोषित किया गया।